हमारे देश का प्रधानमंत्री देश को बताए बगैर 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान चला जाता है। उसने वहां क्या, मोदी जी ने क्या डील की आतंकवादियों से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 2 जनवरी को पठानकोट पर एयरबेस पर हमला होता है, आतंकी हमला। और जो हमला होता है उसके बाद मोदी जी की सरकार आईएसआई के लोगों को वहां पठानकोट तक दिखाने के लिए लाती है। वो सौदे के मुताबिक वो घटना पूरी अंजाम हुई कि नहीं हुई है। हर रोज 36 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, 7 लाख से ज्यादा उद्योगों पर ताले लग चुके हैं कि अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी जो बात थी अगर उसका संज्ञान लिया गया होता तो हमारे जवानों की हत्या नहीं होती। तंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। मैं, आपने जो सवाल किया, मैं बात करूंगा चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी के दौरान, गिरफ्तारी के बाद जो जमानत के लिए सुनवाई के वक्त सेशन जज कामनी लाव ने कहा, गिरफ्तारी का कारण क्या है कि जामा मस्जिद में प्रदर्शन कर रहे थे, तो कर सकते हैं, लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का हक है। और जामा मस्जिद भारत में है, पाकिस्तान में नहीं, और यदि पाकिस्तान में भी है तब भी प्रदर्शन करने का हक है। यह कामनी लाव बोली है। गजेंद्र जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। कामनी लाव ने दूसरी बात बोली, देश में जनता इसलिए सड़क पर है क्योंकि संसद के अंदर नागरिकता कानून में बदलाव करने के लिए जो जो चर्चा की जानी चाहिए थी वह अपर्याप्त रही, पूरी तरीके से चर्चा नहीं की गई। इसका मतलब है कि हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा पंचायत घर संसद में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे देश के जनप्रतिनिधियों को अपनी बात को साफ गोई से रखने का वक्त और अधिकार नहीं है। ये लोकतंत्र का गिरावट का सबसे बड़ा मापदंड है। मैं दूसरा जिक्र करना चाहता हूँ, CAA के विरोध के बाद पूरी राजधानी में धारा 144 धारा लागू की गई और नरेंद्र मोदी सभा करते हैं इस बीच में, झारखंड के वोट चुनाव के बाद और रिजल्ट से पहले 22 तारीख को और धारा 144 खारिज हो जाती है दिल्ली में, राजधानी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड का मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो ये दूसरी बात है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए आम नागरिकों को जो असहमति रखते हैं नागरिकता देने का जो कानून में आपने बदलाव किया, क्या बदलाव किया, हमारे देश में संविधान की आत्मा की जो धर्मनिरपेक्षता है, संविधान की आत्मा धर्मनिरपेक्षता, उसकी असंवैधानिक तरीके से की गई हत्या, उसका विरोध करने के लिए जो व्यक्ति समूह और संगठन सड़क पर उतरता, आपने अभिव्यक्ति के आज़ादी पर अंकुश लगाने के लिए पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा करके लोकतंत्र की गरिमा को गिराया, पहले संसद में और फिर सड़क पर। और जब नरेंद्र मोदी की राजधानी दिल्ली में सभा होती है तो धारा 144 खारिज की जाती है, हटा दी जाती है। ये दूसरा। तीसरा उदाहरण, लखनऊ में आपने नाम सुना होगा, एक बहुत बड़े शायर हैं मुनव्वर राणा, उनकी बेटियां भी, उन पर भी धारा 144 के तहत उनको बुक किया जा चुका है लखनऊ में। लखनऊ में विरोध करने वालों को रोकने के लिए मैं आपको बताता हूं, पूर्व IPS JS दारापुरी, उन्हें गिरफ्तार किया गया। सदफ जफर जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। न केवल गिरफ्तार किया गया, पीटा गया, कबीर को मारा गया, इन सब लोगों को, अगर उनको पूछताछ करने वालों को, क्या है, धारा 144 लगी हुई है। लेकिन अमित शाह वहां सैनिक रैली करता है हजारों की संख्या में लोगों को लेकर, योगी आदित्यनाथ रैली करता है, धारा 144 हटा दी जाती है। मैं तो कह रहा हूं कि इंडेक्स में ये 10% की गिरावट कम दिखाई गई है। हमारे देश में लोकतंत्र इस समय दम तोड़ रहा है। कैसे, हमारे देश का एक तीसरा उदाहरण आपको देता हूं, वो है हमारे देश का पशुपालक मंत्री गिरिराज सिंह। वो ABP के पत्रकार के साथ संवाद करता, पत्रकार उनसे सवाल करता, उसने खबरदार तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमसे सवाल करने का सरकार से, तो भारत के मीडिया को भारत की सरकार से सवाल करने का हक नहीं, राष्ट्र की राजधानी में सरकार के असहमति व्यक्त करने का आपको हक नहीं, लखनऊ की राजधानी में अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का हक नहीं। और आपके अलावा जामिया मिलिया के छात्र सड़क पर आए गांधी जी के हथियार को, अहिंसक का जो हथियार है गांधी का, बापू का, उसको लेकर के सड़क पर चल रहे थे कि हम सरकार से असहमत हैं।
तो आपने देखा वर्दीधारी पुलिस के गुंडों ने कैसे पीटा, जामिया का गेट तोड़ा, चौकीदारों को पीटा और अंदर जा करके लाइब्रेरी का गेट तोड़ा, छात्र और छात्राओं को पीटा और उन अपराधी वर्दीधारी हमलावर पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है। ये लोकतंत्र की गिरावट है। हमारे देश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, वो भी राष्ट्र की राजधानी में, उस पर नकाबपोश आतंकी हमला करते हैं 70 से ज्यादा। तो क्या 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 सर इस पे सरकार चिंताजनक स्थिति या चिंता करेगी जो 10% जो डेमोक्रेसी इंडेक्स में जो भाग मैं उसी पर आ रहा हूं। पहले चिंता सरकार का करे, संता सरकार का कारण हो रहा है। बिना सरकार के कारण 70 से ज्यादा नकाबपोश, 250 पुलिसकर्मी जो जेएनयू के बाहर खड़े हैं, नकाबपोश अंदर जाते हैं, छात्र और छात्राओं को और शिक्षकों को पीटते हैं, मारते हैं, तोड़फोड़ करते हैं 3 घंटे तक, और बेबस छात्र पिट रहे हैं, छात्र छात्राएं, बेटियां पिटी, वो बेटी बचाओ और बेटी बनाओ की बात करते हैं, पढ़ाओ की बात करते हैं, और अभी तक नकाबपोश आतंकी गिरफ्तार नहीं हुए। नहीं, हमारे देश और दुनिया में आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स तक बहुत बड़ा, पूरा विश्व में इस समय शाहीन बाग जो बापू के मार्ग पर और बाबा साहिब के अध्यक्षता में बने संविधान की आत्मा दर्द निरपेक्षता को बचाने के लिए शाहीन बाग की माएँ, उनमें एक माँ अपने 4 दिन के नवजात से ले को गोद में लेकर बैठी है, 1.5 डिग्री तापमान भी रहा दिल्ली का, और 90 साल की माएँ बैठी है। हम सब संविधान के हिफाजत, संविधान के पैरोकार, संविधान को मानने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले शाहीन बाग की माओं के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में अभी विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार है एक कपिल मिश्रा, जो पहले आम आदमी पार्टी में भी मंत्री रहा, वो कह रहा है 8 फरवरी को दिल्ली में हिंदुस्तान पाकिस्तानियों का मुकाबला होगा। अरे नालायक आदमी है, क्या बोलता है, शाहीन बाग को पाकिस्तान बताता है। अब आप समझ लीजिएगा इनकी मनोदशा, जो हमारे देश में बापू के अध्यक्षता में बने संविधान को बचाने के लिए और सॉरी बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को बचाने के लिए और बापू के अहिंसा के मार्ग पर अपना विरोध प्रकट कर रहे हो निरंतर, ये उनको देश का नहीं पाकिस्तान का बताते, ये स्थिति हमारे देश के अंदर हो गई है, आप समझ रहे हैं। और तब ऐसी दशा में जहां मीडिया को सरकार से सवाल करने का हक ना हो, आम नागरिक का विरोध प्रदर्शन करने के लिए धारा 144 लग जाती हो, विश्वविद्यालय पर आजादी के 70 वर्ष बाद पहली बार हमले होते हो, वर्दीधारी पुलिस से लेकर नकाबपोश आतंकियों के, और कोई गिरफ्तारी नहीं होती है, कोई FIR दर्ज नहीं होता हो, और यही नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर वर्दीधारी गुंडों ने जिस तरह से गाड़ियां तोड़ी, CCTV के कैमरे तोड़े और कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भाजपा के पदाधिकारी, उनके बड़े बड़े होल्डिंग लगे हैं, वो पुलिस के साथ उतरते हैं लाठी लेकर के, और जो हत्याएं हुई हैं चुन चुन कर उत्तर प्रदेश से लेकर, आप देखिए जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धमकी दे रहा है कि जो कश्मीर में नारे लगते थे, तो जिन्होंने कश्मीर में देश विरोधी नारे लगाने पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे क्यों नहीं बनाते भैया, ये कैसे हो सकता है कि कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, हमारा देश है, हमारा देश का हिस्सा, एक हिस्सा कश्मीर है, एक उत्तर प्रदेश है, तो कश्मीर में नारे लगाने वालों को इनकी सरकार PDP के साथ रही, अब तो पूरी इन्हीं की सरकार है। और मैं एक और बात करके ख़त्म करना चाहता हूँ, तब आपका दूसरा सवाल लूँगा कि जिस DSP देवेंद्र सिंह को अभी अपने सहयोगी आतंकवादी हैंड ग्रेनेटर असल राइफलों के साथ गिरफ्तार किया गया 2006 में, इसके विषय में छप चुका था, छपा था, तब जो है ये संसद पर हमले में शामिल एक आतंकवादी, आतंकी वारदात में शामिल, उसने पूरा इसका जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था, उसने कहा कि मैं ये सब जो किया हूँ, गाड़ी परचेज करने से लेकर ये पूरी प्रक्रियाएं, तमाम चीजें ये मैंने DSP देवेंद्र सिंह के कहने पर की। अगर तब DSP देवेंद्र सिंह की जांच पड़ताल हो गई होती, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि DSP देवेंद्र सिंह संसद पर आतंकी वारदात को 2001 में हमला कराने का सरगना रहा है, लेकिन किसके इशारे पर किया वो बात अभी गौण हो गई है। अगर इसको तब गिरफ्तार किया जाता, जांच पड़ताल होती, तो पुलवामा में हमारे 45 जवान नहीं मारे जाते, पुलवामा में यही ड्यूटी पर था, और पुलवामा में आतंकी हमले के बाद तत्काल इसको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया जाता है। और अब
मैं उन ईमानदार पुलिस अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आतंकी देवेंद्र सिंह और उसके सहयोगियों को मैं असला गिरफ्तार किया, नहीं तो ये CAA के खिलाफ शाहीन बाग में जो चल रहा है हमारा धरना माओं की शाहीन बाग की माओं की अगुवाई में उसमें खलल डाल सकते थे। 26 जनवरी को कुछ आतंकी वारदात को अंजाम दे करके अब विधानसभा के चुनाव आतंकी हमले के बाद हिंदू मुसलमान के तरफ जहां कपिल मिश्रा, मैं इसलिए कह रहा हूं कपिल मिश्रा जैसे जोड़ रहा है उस ओर लेकर जाते। और आपको मालूम होगा गजेंद्र जी कि DSP देवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी से पहले बार बार इनके मोदी मीडिया, मोदी तो बहुत अच्छी होती, मोदी मीडिया कह रहा था दिल्ली में आतंकवादी प्रवेश कर चुके हैं। इसका मतलब हुआ कि DSP देवेंद्र सिंह अपने आतंकी और हथियारों से दिल्ली पर आने वाला है, ये बात पहले से मीडिया और तमाम घरानों को पहुंचाई जा चुकी थी। इसका मैकेनिज्म कौन है, इसकी जाँच कौन करेगा? अब मुझे बताइए कि लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं है? DSP देवेंद्र सिंह की बात के खिलाफ, DSP आतंकी वारदात को दिल्ली में हमला करने वाले DSP देवेंद्र के कारण गिरफ्तारी के बाद अमित शाह मौन क्यों है? अगर लोकतंत्र खतरे में नहीं, गृह मंत्री है, क्यों मौन है मोदी? लोकतंत्र खतरे में है, क्यों मौन है मोदी? मीडिया चर्चा क्यों नहीं चल रही है? तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफजल गुरु को फांसी पर चढ़ाने से पहले उसकी जो बात थी अगर उसका संज्ञान लिया गया होता तो हमारे जवानों की हत्या नहीं होती और हमारे देश में न हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े कर पाते। और शायद जो पिछला चुनाव जीता है इन्होंने पुलवामा हमला करवा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाती। तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज क्यों मौन है? मैं हैरान इस बात से हूँ कि CAA NRC के विरोध में उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने वालों की चुन चुन के हत्याएं हो जाती हैं और हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज मौन बैठे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्होंने पहले कहा था 4 जजों ने कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, हम भी कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है कि अपनी इच्छा के अनुसार कब धारा 44 लगा देंगे, कब हटा देते हैं 144 को, और किसको गिरफ्तार कर देंगे, किसको बाहर रहने देंगे, और कौन सा मीडिया जो झूठ बोलेगा, और जो मीडिया झूठ नहीं बोलता उसको डांटते फटकारते और धमकाते और बंद भी कराते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिल्कुल रसातल में पहुंच चुका है। भुखमरी के मामले में भी हम पाकिस्तान से नीचे पहुंच चुके हैं और आर्थिक मामले में हम लोगों ने बांग्लादेश और नेपाल से पिछड़ चुके हैं। बेरोजगारी का मसला ये है, हर रोज 36 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा उद्योगों पर ताले लग चुके हैं गजेंद्र जी। और सबसे बड़ी बात है 12 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं। मेरे देश की बेटियों का साथ गैंग रेप का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। कश्मीर से लेकर के हमारा जो पूरी सीमा है वो असुरक्षित है। ये भले बोलते होंगे कि हम 56 इंच के सीना वाली सरकार है, चीन ने अरुणाचल में कब्जा कर लिया, उसे खाली नहीं करा पा रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि टेलीविजन के अखबारी सरकार से सवाल नहीं कर सकते, अभिव्यक्ति करने वालों को आप मिनी पाकिस्तानी बता देते हैं और रास्ता रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन के लिए 144 लगा देते हैं, चुपके से इनके गुंडे हत्या कर देते हैं। पहली बार है उत्तर प्रदेश में जो हत्याएं हुई 302 के मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं। और आपको बता दूं जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, मैं 3-4 चीजें बताना चाहता हूं लोकतंत्र के विषय में। हमारे देश का प्रधानमंत्री देश को बताए बगैर 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान चला जाता है। उसने वहां क्या, मोदी जी ने क्या डील की आतंकवादियों से मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 2 जनवरी को पठानकोट पर एयरबेस पर हमला होता है, आतंकी हमला। और जो हमला होता है उसके बाद मोदी जी की सरकार ISI के लोगों को वहां पठानकोट तक दिखाने के लिए लाती है। वो सौदे के मुताबिक वो घटना पूरी अंजाम हुई कि नहीं हुई है, हम ये बात इसलिए कहना चाह रहे हैं। उसके बाद उरी की घटना होती है और जो पुलवामा की घटना है, पुलवामा की घटना का एक अभी तक हमारे 40 जवानों के टुकड़े टुकड़े वहीं बिखर गए थे, उस मामले की जांच पड़ताल नहीं हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है मोदी सरकार को। जब खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट आ गई थी कि आतंकी विस्फोट करके हमला कर सकते हैं, उस रिपोर्ट को मोदी सरकार ने क्यों खारिज किया? फिर अधिकारियों ने कहा ये 3700 जवानों को सुरक्षित उठाने के लिए आप हमको जहाज दे दीजिए, इन्होंने जहाज देने से आनाकानी क्यों कर दी? तीसरी बात,
आपने 3700 जवानों को एक साथ सड़क पे क्यों उतारा, टुकड़ों में क्यों नहीं उतारा? और चौथी बात, जब आपके पास एक ही गाड़ी ऐसी थी जो बुलेट प्रूफ नहीं थी, ये जानकारी किसने बताई आतंकवादियों को? और 300 किलो आरडीएक्स वहां कैसे आया जहां चप्पा चप्पा पर चेकिंग होती है? और चौथी बात, जिस दिन आतंकवादियों ने हमला किया पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स को लेकर के, नरेंद्र मोदी पहले दिन जब प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक पहली बार वनवास गए, उसी दिन वनवास क्यों गए? इसका मतलब है ये पूरी पटकथा लिखी गई थी। मैं दूसरी बात बता के खत्म करता हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है 2 तारीख को सब लोगों को पाकिस्तान का विरोध करना चाहिए और 3 तारीख को ननकाना साहिब के बाहर कुछ दर्जन पास पत्थरबाज इकट्ठे हो जाते हैं। अब बताइए आप, प्रधानमंत्री आज कहता है कि आपको पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करना है और अगले दिन ननकाना साहिब के बाहर पाकिस्तान में पत्थरबाज इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हमारे देश के लोग मजबूर होकर के पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और 5 तारीख को ये अमित शाह जो तड़ी पार रह चुका शख्स गृह मंत्री कुर्सी बैठा है अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करता है और हमारे राजधानी दिल्ली में जहाँ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृह मंत्री जहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मानवाधिकार आयोग और सब टीवी और अखबार भी है और आईएएस बनने वाले आईपीएस बनने वाले बालक बालिका हैं और वहाँ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला होता है और 6 तारीख को चुनाव आचार संहिता लग जाती है और 7 तारीख को निर्भया कांड की सुनवाई की डेट पहले से निश्चित की जाती है। ये पटकथा किसने लिखी? क्या ये तो नहीं कि जब शीला सरकार थी, बहुत अफसोस की बात है, बहुत दर्दनाक घटना है निर्भया कांड, हम सब लोग भर्सना करते हैं उन आतंकियों को तत्काल, मैं कहता हूँ आतंकी से बर्बरता की बार बार वारदात थी, ऐसे लोगों को तो 24 घंटे के अंदर सजा दी जानी चाहिए, 24 घंटे सुनवाई हो करके। हम ये कह रहे हैं पूरी कार्रवाई 48 घंटे 90 घंटे लेकिन निरंतर सुनवाई करके, हम ये कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की विदाई का कारण बना निर्भया कांड। क्या निर्भया कांड को अंजाम तक पहुँचाने वाले बर्बरता करने वाले अपराधियों को भी सजा चुनाव के बीच में देकर मोदी सरकार अपना वोट बैंक बढ़ाने का खेल तो नहीं कर रही है? मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं ये मानता हूं डेमोक्रेसी है, बिल्कुल इनको फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन चुनाव के बीच में ही क्यों क्यों नहीं हो सकता है? सम्मानित अदालत तय करे, वोट पड़ जाए, वोट का आखिरी वोट जब पड़ना हो शाम को 5 बजे के बाद फांसी पे लटकाए, 6 बजे लटकाए, 7 बजे लटकाए। जब इतने दिन 2012 से लेकर 2020 हो चुका है अपना गजेंद्र जी, तो हम ये कह रहे हैं कि 2-4 दिन और डिले सही, लेकिन हम ये देख रहे हैं ये पूरी एक्सरसाइज क्यों ऐसी की जा रही है? क्योंकि हमारे देश की बेटियों की इज्जत आप नहीं बचा पा रहे हैं, हमारे देश के बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, 36 बेरोजगार रोजाना, उनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जो सरकारी संस्थान में काम कर रहे हैं उनको आप वेतन नहीं दे पा रहे हैं और हमारे देश के 12 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, आप उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं, उद्योगों पर सैकड़ों उद्योगों पर रोजाना ताले लग रहे हैं, 7 लाख से ज़्यादा उद्योगों पर ताले लग चुके हैं, आप उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं उन्हें आप नहीं बचा पा रहे हैं, सीमा पर चीन कब्जा कर दिया आप उसे नहीं छुड़ा पा रहे हैं और हमारे देश कि जीडीपी और प्रधानमंत्री का अस्तर और पैसा तीनों ऐसा कंपटीशन में गिर रहा है, अब समझ लो पहले तो। अब जब आप कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे तो पहले आपने एक कृत्रिम तरीके से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे एक चीज छीन ली है, ये जो राम मंदिर का राग अलापते थे सुप्रीम कोर्ट ने इनसे छीन लिया, तो हिंदू मुसलमान का मसला खत्म हो गया, तो क्या किए? कृत्रिम रूप से उन्होंने कहा जो हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान में जो पीड़ित आदमी है धर्म धार्मिक आधार पर और हिंदू मुसलमान को, धर्म का मतलब क्या है? अरे भाई एक लाइन में आप लिखते हैं जो वहाँ से हमारे यहाँ शरण लेने आएंगे धार्मिक उत्पीड़न कारण हम उन्हें जगह अपना स्थान देंगे, तो हमारे देश के संविधान पर यह हमला नहीं था, हमारे देश के संविधान पर हमला ये इसलिए है कि आप उसकी धर्म निरपेक्षता को खारिज कर रहे हैं और बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने इस कानून का मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। दो हिस्सों में बढ़ चुका है भारत, एक बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने हुए संविधान के साथ है और एक संविधान को खत्म करके संघ के विधान की तरफ जाने वाला है, 8 फरवरी को चुनाव वहां होना है। ये जो बात कर रहा है ना, क्या नाम इसका, अमित मिश्रा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बात, ये मूर्ख आदमी है कपिल मिश्रा, हाँ, इनको जानकारी नहीं है हमारे देश में और क्यों होना है। गजेंद्र जी 30 करोड़ हमारे भूमिहीन, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी सैयदा तैमूर आसाम में जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पढ़ी थी, वो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाई। प्रदीप भुइयां जिन्होंने 60 लाख रुपए खर्च किए थे इस पूरे एनआरसी के मसले को लेकर के, वो अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाई। सिपाही भर्ती होने के बाद सूबेदार रिटायर हुआ सैदुल्ला,
जिनको कारगिल युद्ध में बड़ा पुरस्कार मिला, वो 10 दिन जेल में रहे, अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, और हमारे देश का राष्ट्रपति रह चुके फखरुद्दीन अली अहमद के वंशज अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाए, हजारों लोगों ने आत्महत्या कर ली, और बाकी जो लाखों, मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि 1650 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भारत की भाजपा सरकार 1650 घुसपैठिया का नाम नहीं बता पा रही है, 1650 घुसपैठिया। वो जो 19 लाख लोग अपने सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए कि हम भारत के नागरिक हैं, उनमें वो लोग भी शामिल हैं जो छपरा से गए हुए, जिनके विषय में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी जीवनी में लिखा था, और वो बेचारे वहाँ जा रहे हैं। राजस्थान का एक जिक्र है, एक किताब आई है, वो राजस्थान गया कि मेरे दादा यहाँ पढ़े थे, उनका सर्टिफिकेट दे दोगे तो मेरी नागरिकता मानी जाएगी आसाम में। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1650 करोड़ रुपए खर्च करके 3.5 करोड़ की आबादी की NRC करा करके आप 1650 घुसपैठिए नहीं ढूंढ पाए, और आप कह रहे हैं आप भारत की 137 करोड़ की आबादी की NRC कराएंगे, इस पर जो जो हमारे लोगों को खर्च करना पड़ेगा, जो बर्बादी और तबाही होगी उसकी वसूली कहाँ से होगी, और डेमोक्रेसी कहाँ खत्म होती है। मैं लास्ट बोलता हूँ, हमारे देश का संवैधानिक संस्थान है चुनाव आयोग, उसने हमारे देश के 90 करोड़ लोगों को मतदाता पहचान पत्र दे रखे हैं। ये उन मतदाता पहचान पत्र धारकों को देश का नागरिक नहीं मानते। बायोमेट्रिक पद्धति से बने हुए 120 करोड़ आधार कार्ड हैं, ये उसके धारकों को भारत का नागरिक नहीं मानते। 6.5 करोड़ पासपोर्टधारी, जिसमें 3.10 करोड़ विदेशों में नागरिकता हासिल कर चुके हैं, 20 से ज़्यादा देशों के में जाकर MP और MLA बन चुके हैं, और राष्ट्रपति के और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन चुके हैं, ये उनको नागरिक नहीं मानते हैं। और इसके अलावा हमारे देश का पैन कार्ड धारक और राशन कार्ड धारकों को भी ये हमारे देश का नागरिक नहीं मानते हैं। ये देश में लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं, ये डेमोक्रेसी का, और क्या कर रहे हैं, हम मानेंगे उसकी बात जो मिस कॉल करेगा, और मिस कॉल करने के लिए क्या कर रहे हैं, अभी अमित शाह तो जगह जगह नुमाइश लगा रहे हैं, 250 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे देश भर में, 1000 सभाएँ करेंगे, और लोगों से कह रहे हैं मिस कॉल मारो। मिस कॉल मतलब जो जियो से, जो वोडाफोन से, एयरटेल से, आइडिया से, BSNL से इनको घंटी मारेगा, उसको सरकार कह रही है, ये माना जाएगा कि जनता सरकार के साथ है। तो 90 करोड़ मतदाता पहचान पत्र धारकों में से बड़ी आबादी CAA, NRC और NPR के खिलाफ है, बाबा साहेब के अध्यक्षता में बने संविधान के साथ है, और इन्होंने हमारे देश में बाबा साहेब की अध्यक्षता में बने संविधान को ख़त्म कर संघ के विधान को लागू करने का षड्यंत्र क्या किया, बड़ी चालाकी के साथ पहले ये हमारे संविधान में शामिल धर्मनिरपेक्षता की हत्या करना चाहते हैं, और फिर ये कहेंगे देखो देश ने कहा धर्मनिरपेक्षता की हत्या हो गई। और आखिरी बात गजेंद्र जी, आपके माध्यम से मैं सिखों को, मैं बौद्धों को, मैं जैनियों को, मैं मुसलमानों को, और मैं ईसाइयों को, और मैं पारसियों को, और मैं नास्तिकों को कहना चाहता हूँ, जब ये संघ प्रमुख, ये सरकार किसकी, देश की सरकार नहीं है, संघ प्रमुख की सरकार है, और संघ प्रमुख कहता है कि मुझे सब भारत में हिंदू नजर आते हैं, उसने 20 करोड़ ज़्यादा मुसलमानों की औचित्य को खारिज कर दिया, करोड़ों करोड़ सिखों के औचित्य को, बौद्धों के औचित्य को, जैनियों के औचित्य को, पारसियों के औचित्य को, और नास्तिकों के औचित्य को खारिज कर दिया। ये आप समझ लीजिएगा, जो आपके धर्म गुरु हैं उनसे सवाल कीजिए, आप अपने हृदय पर हाथ रख के कहिए, आप बौद्ध हैं कि हिंदू हैं, आप जैनी हैं कि हिंदू हैं, आप सिख हैं कि हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं कि हिंदू हैं, तो जो आपके औचित्यों को नहीं मानते हैं, आपके धर्म, आपके मजहब को नहीं मानते, वो कहता है ये दिखता ही नहीं, अनविजुअल कह दिया, उनको नजर नहीं आता है, और जिनको संवैधानिक संस्थान के द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र बायोमेट्रिक पद्धति से जारी किए गए आधार कार्ड, और भारत सरकार के द्वारा दिए गए जारी किए गए 650 करोड़ 6.5 करोड़ पासपोर्ट और पैन कार्ड और राशन कार्ड का औचित्य स्वीकार नहीं है, वहाँ डेमोक्रेसी कैसे बच सकती है, जहाँ इन सब, जहाँ आपके धर्म मजा पंथ नहीं बच पा रहा है, खारिज कर दिया उन्होंने, मैं नहीं कह रहा हूँ, खारिज कर दिया, तो वहाँ पर लोकतंत्र कैसे बचेगा। उसको बचाने के लिए शाहीन बाग की माएँ और जगह जगह जो शाहीन बाग खड़े हो रहे हैं, और ये जो नालायक जो संघ के विधान के साथ उसको मिनी पाकिस्तान कह रहे हैं, उन सबको खारिज कीजिए। और लास्ट बात कह के मैं ख़त्म करता हूँ कि कन्हैया पर जिस तरीके से चुपके से वहाँ कार्यक्रम में नारे लगाकर कन्हैया को अपराधी ठहराया गया,
उसको अब तक नहीं पकड़ा जा रहा। कन्हैया भी कह रहा पकड़ो अपराधियों को, कौन थे। ठीक उसी तरीके से 70 से ज़्यादा नकाबपोश जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पर हमला किए उनको भी गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। अब चुनाव के लिए निर्भया के दोषियों को चुनाव वोटिंग से पहले फांसी पर लटका कर वोट लेने का और कन्हैया को फंसाने के लिए भी एक नंद किशोर गर्ग इनके भाजपा के नेता हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की है। मैं सम्मानित न्यायालय से एक आग्रह कर अनुरोध करता हूँ कि बिल्कुल निर्भया कांड के अपराधियों को सार्वजनिक रूप में फांसी पर लटकाया जाए। लेकिन आप सबसे मैं आग्रह करता हूँ इस लोकतंत्र की हिफाजत के लिए ठीक वोटिंग के शाम को आखिरी वोट पड़ने के बाद लटकाने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए ताकि ये नालायक इसका भी वोटिंग लाभ लेने की ओर षड्यंत्र न कर सके और हमारे डेमोक्रेसी में जो जैनन सवाल है बेटी की हिफाजत, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारों की आत्महत्या, व्यापारियों की आत्महत्या और उद्योगों को बचाने और सीमा को हिफाजत के लिए ये ज्वलंत सवाल आगे खड़े हो सकें। गिरती GDP और गिरती रुपये की दर और गिरती हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गरिमा, इनको बचाने के लिए कुछ हो सके। धन्यवाद।